नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद। अभी हमारे साथ मौजूद है बांसवाड़ा से नव निर्वाचित भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत जी। इस बार संसद में कई ऐसे आंदोलनों के लोग पहुँचे हैं जो सामाजिक संघर्ष को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे, और इसी में से एक नौजवान नेता के तौर पर ये भी हैं। 2018 में जब विधानसभा चुनाव जीते थे अपने इलाके में, तो सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। उसके बाद से लगातार अपने इलाके में आदिवासी और जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे। उसी संघर्ष के बदौलत इनकी पार्टी, जो 8 महीने पुरानी मात्र पार्टी है, उन उस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए हैं लोकसभा का चुनाव। राजकुमार रोत जी आज हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करके समझने का प्रयास करेंगे जो इनकी चुनावी राजनीति का अनुभव कैसा रहा है, दूसरा इनसे इनके इलाके के लोग और देश के बाकी आदिवासी समाज के लोग और जनसंघर्ष के लोग इनसे क्या उम्मीद रखें, क्योंकि ये जिस तरह से पार्लियामेंट में आए हैं, क्योंकि एक उम्मीद के तौर पर नई पार्लियामेंट में देखे जा रहे हैं। राजकुमार जी, आपका न्यूज़ क्लिक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई जो आप इतने बड़े मार्जिन से जीत के आए। सबसे पहले तो अभी नतीजों को ही कैसे देखते हैं, अपना चुनाव और देश भर में जो परिणाम आए हैं इसको आप कैसे देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद जोहार। बांसवाड़ा की जनता ने मुझे बड़ी उम्मीद के साथ एक शानदार मतदान देके मुझे जिताया है। मतलब बांसवाड़ा के जो परिणाम रहे हैं वो डिफरेंस परिणाम रहे हैं देश के अन्य कोनों में। हालांकि सब जगह अलग अलग डिफरेंस परिणाम रहे हैं, कोई एक फैक्टर काम नहीं किया देश के अंदर। इस चुनाव परिणामों के अगर एनडीए ने अगर सरकार बनाई है तो कोई एक फैक्टर विशेष काम नहीं किया। भले उन्होंने कहा था कि वो राम मंदिर वाला फैक्टर चल रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई फैक्टर काम किया, और हमारी सीट पर किसी प्रकार का ये काम फैक्टर काम नहीं हुआ है। वहाँ पर ट्राइबल रिजर्व सीट है, और आज़ादी के बाद से आज तक एमपी या एमएलए चुन के आते थे उस सीट से, हमारे राष्ट्रीय पार्टी से चुन के आते थे अधिकतर। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा ऐसे कैंडिडेटों को चुना जाता था, वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाए, अपनी कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर पाए, संवैधानिक प्रावधानों के लिए बात आधार पर बात नहीं कर पाए, ऐसे उम्मीदवारों को चुना जाता था। तो वहाँ की जनता ठगी महसूस करती थी हर बार, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो इस बार हम सब ने, क्योंकि हमने एज ए वर्क किया पब्लिक में, यूथ के साथ लेके, बुद्धिजीवी लोगों को साथ में लेके काम किया, तो लगा लोगों को कि इस बार परिवर्तन लाना है। क्योंकि आदिवासी इलाके के अंदर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए आदिवासी समुदाय तरस रहा है। भले देश की सरकारें को दावा कुछ भी कर ले जी कि हम ये हो गया, वो हो गया, प्रगति कर ली, ये कर लिया, लेकिन आज भी देश में हालत, ट्राइबल इलाके के अंदर आज भी हालत ख़राब है, और जो हालात हैं वो मीडिया से और गवर्नमेंट से आज भी दूर हैं। वहाँ पर आज भी जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासी लड़ाई लड़ रहा है। हर 6 महीने में केस मिल जाएगा उस इलाके के अंदर, आदिवासी इलाके के अंदर, कि डेवलप के नाम से इसको विस्थापन किया जा रहा है। तो इन सारे इशूओं को लेकर हम लोग लड़े हैं, और इसी कारण से वहाँ की जनता ने हम पे विश्वास जताया है, और शानदार वोटों से हमको जिता के बिताए जी। बिल्कुल, क्योंकि आप जीत के जिस तरह से 2 लाख से अधिक का मार्जिन आपके सीट पर रहा है, और आपने जिनको हराया वो पहले कांग्रेस में भी थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, तो लेकिन अगर इस पूरे एक आपके इलाके में और आपकी चुनावी, क्योंकि आप पहले बीटीपी में भी रहे, तो ये भारत आदिवासी पार्टी बनाने की ज़रूरत आप लोगों को क्यों महसूस हुई? बीटीपी से या बाकी जो देश में आदिवासी राजनीति करने के दावा करते हैं या बहुजन की राजनीति दावा करते हैं, उससे बाप अलग कैसे है? हाँ, कई कारण रहे हैं। मूल कारण ये रहा था कि उस समय गुजरात से बीटीपी का कंट्रोल होता था, और हम जिस मूवमेंट के आधार पर जिस इशूओं को लेकर काम कर रहे हैं, बीटीपी कहीं कहीं इशू से उन मूवमेंट से भटक रही थी, और हमें लग रहा था कि बीटीपी कहीं कहीं राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ के काम कर रही है और उसके साथ विलीन होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने अलग पार्टी बनाई, और ये देखने भी मिला गुजरात के अंदर महेश भाई वसावा थे, वो भाजपा में सम्मिलित हो गए। तो ऐसे कई कारण थे, इसकी वजह से हम लोग अलग पार्टी बनाए और हम सक्सेस रहे। बिल्कुल, विधानसभा में भी नतीजे आप लोगों के बहुत अच्छे रहे। वही विधान, क्योंकि मैं अमराराम जी से जब मिला था सीकर में, बात हो रही थी उनसे भी, तो उन्होंने भी ये बात बोली, जो अलायंस जो कांग्रेस को समझ विधानसभा चुनावों के बाद आई, अगर वो लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव पहले हो जाती तो नतीजे उसमें भी कुछ अलग होते, राजस्थान के अंदर परिणाम अलग होते, सरकार गठबंधन की बन गई होती आज। बिल्कुल, अभी जो स्थिति आई है, आपके 2 चुनाव लड़े हैं जब भारत आदिवासी बनल तक, आपका अनुभव कैसा है और किस तरह की चुनौतियों का सामना आप लोग, क्योंकि जब आजकल के चुनाव इतने महंगे होते जा रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टियां राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह खर्चे करती है, उसमें आदिवासी समाज के बीच में राजनीति करना, लिमिटेड संसाधन चुनाव लड़ना, नेशनल पार्टियों ने विशेषकर देखा जाए
तो मतलब चुनाव को जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र के महत्व को लोगों को उस महत्व से ध्यान भटका दिया है। राष्ट्रीय पार्टी ने यही किया, पैसा बांटना, कुछ सामग्री बांटना, लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर करके वोट ले लेना, ये काम किया है। और इस देश के लिए अब देखा जाए वर्तमान जो परिस्थिति है, इस बार चुनाव हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि देश के हालात ठीक नहीं है। अगर देश के हालात ठीक होते, लोगों की देश के लोगों की मानसिकता अच्छे डेवलप हो गई होती और लोगों में लोकतंत्र को लेकर विश्वास होता जो गवर्नमेंट चुन के बार बार भेज रहे हैं, तो मतदान के लिए कोई अभियान नहीं चलाने की ज़रूरत थी। इतने अभियान चलाए, चुनाव आयोग के द्वारा भी चलाए, इसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा। पहला जो चरण रहा वो 55 के आसपास रहा, वो हमारे देश के लिए घातक परिणाम रहे। देखा जाए मतलब 45% लोग वोट डालना ही नहीं चाहते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पर गवर्नमेंट नहीं जा रही है। इसके पीछे मैं जो जहाँ तक समझा, रीज़न यही रहा है कि गवर्नमेंट ने जनता की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है, इसलिए लोगों को लग गया मन, कहीं लोग कहते हैं छोड़ो ठीक है भर गया, ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ऐसे कई कारण रहे हैं, इस कारण लोगों का ये, तो हम देश लेवल पे देख हम यही काम करेंगे कि लोकतंत्र के वास्तविक महत्व को समझाएंगे, लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराएंगे। और हम लोग जनता के सेवक के रूप में चुन के आते हैं, मैं हूँ या अध्यक्ष हैं आप गवर्नमेंट जो है, तो हमने जनता की भावना के अनुरूप, बिजनेसमैन की भावना के अनुरूप काम नहीं करना चाहिए। यही काम हो रहा है कि बिजनेसमैन की भावना के अनुरूप काम हो रहा है, जनता की भावना के अनुरूप काम नहीं हो रहा नहीं है। है। इस बार हम कोशिश करेंगे परिवर्तन आए, जनता की भावना के अनुरूप, गरीब की भावना के अनुरूप, किसान की भावना के अनुरूप काम हो, कोशिश करेंगे। उम्मीद रहनी चाहिए हाँ जो आप लोगों के आने से कुछ बदलाव आए ऐसा। लेकिन ऐसे देश में आदिवासी समाज की स्थिति, जितने भी सर्वे रिपोर्ट आते हैं उन लोगों की स्थितियाँ लगातार ख़राब बताई जा रही, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि केंद्र में जो वर्तमान सरकार है उसने कई बार पिछले समय में आदिवासी हितैषी होने की दावे किए, उसने खुद राष्ट्रपति बनाया आदिवासी समाज से, या अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर, और बार बार वो आदिवासी को बनवासी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, आदिवासी बनाम बनवासी करने की जो एक प्रयास है? देखो, एक फैक्टर उन्होंने ये किया था कि आदिवासी राष्ट्रपति बना लेंगे, अच्छी बात है, किया, स्वागत हो गया है। लेकिन उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने शेड्यूल 5 और शेड्यूल 5 6 का प्रावधान है ट्राइबल इलाकों के लिए, आदिवासियों के लिए जो अधिकार हैं उसको लेके कब वर्कशॉप रखा, और उनको लेके राष्ट्रपति महोदय बनने के बाद उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट कराया। वो बेचारे बिल्कुल बांध के रखा गया उनको, वो अपने विवेक से किसी प्रकार का कोई ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने कम्युनिटी के लिए, देश के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वोट बैंक साधने के लिए उनका ये प्लान था, लेकिन वो भी अनसक्सेस गया। दूसरी तरफ देखा जाए, आपने कहा कि देश के अंदर हालात सही, सच में ट्राइबल का हालात सुधर नहीं रहा, बिगड़ता ही जा रहा है, हर बार ग्रोथ ग्रोथ नहीं हो पा रहा, डाउन ही होता जा रहा है। इसके पीछे कई अनेक रीज़न है, गवर्नमेंट स्कीम लागू करती है लेकिन स्कीम है उस अधिकारियों और कुछ उद्योगपतियों के भेंट चढ़ जाती है, उस गरीब के घर तक उस स्कीम का पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कि ऐसी फर्जी स्कीमें ट्राइबल के नाम से, गरीबी के नाम से नहीं लागू की जाए, जिससे उद्योगपति और अधिकारियों को फायदा हो। वास्तविक हमें सख्त ज़रूरत है एजुकेशन की, हमें सख्त ज़रूरत है संवैधानिक जो प्रावधान है उसके इम्प्लीमेंटेशन की, हमें सख्त ज़रूरत है अच्छे स्वास्थ्य हॉस्पिटलों की। उस पर हम लोग गवर्नमेंट का ध्यान ले जाएंगे और कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को इस करवाएंगे ये चीज़ें। ये आदिवासी बनाम बनवासी की जो एक करने की कोशिश हो रही है, वो आदिवासी की पहचान को ख़त्म करना चाह रहे थे ये लोग, आदिवासी की आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाह रहे थे। और अभी जिस तरह से हमारा मूवमेंट आया है उस इलाके के अंदर, मोदी जी आए अब तो वनवासी कहना बंद कर दिया, पहले वनवासी कहते थे, इस बार उन्होंने आदिवासी, ये परिवर्तन आया है। भाजपा के नेताओं ने पहले वनवासी के नाम से ही पुकारते थे लेकिन अब आदिवासी कहना शुरू कर दिया है, एक परिवर्तन आया है। कि वो एक उनका एक ही उद्देश्य था, आदिवासी की अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है इसको ख़त्म किया जाए। और देश भर में जिस तरह से हिंदुत्व की एक लहर चलाने की कोशिश होती है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स बढ़ाने की कोशिश हो रही है। देखो, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, हम भी मैं कहता हूँ हमेशा आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है, बिल्कुल, तो सब यही कहते हैं हिंदू धर्म, मैंने कहा नहीं आता आदिवासी, आदिवासी समुदाय किसी धर्म पूर्वी व्यवस्थाओं से है, आदिवासी समुदाय किसी धर्म में नहीं आता है, न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आता है, न संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर आता है, न वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर आता है। ये भाजपा के लोग जब जरूरत पड़ती है वोट की तब कहते हैं आदिवासी हिंदू है, लेकिन आदिवासी पे अत्याचार होता है तब वो चुप हो जाते हैं, वहाँ पर वहाँ न्यूज में ये या फिर मीडिया ये स्टेटमेंट नहीं देता है कि किसी हिंदू के भाई के साथ अन्याय है, हिंदू की बेटी के साथ अन्याय, आदिवासी की बेटी के साथ, वनवासी की बेटी के साथ, ये चीज़ें होती। और जितने हिंदू संगठन बने हुए वो सारे के सारे आदिवासी के साथ जब अत्याचार हो रहा है तब साइड में हट जाते हैं।
तो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर भी देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट भी आए हुए हैं, हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिकारी अधिनियम है, बहुत सारे एक्ट आए हैं, उसमें स्पष्ट लिख रखा आदिवासी हिंदू व्यवस्था में नहीं आता है। तो ऐसे कौन से दो तीन मुद्दे होंगे जिस पर आप लगातार करना चाहेंगे जो आदिवासी समाज से जुड़े हैं? जैसे मैं महाराष्ट्र के इलाकों में गया, वहाँ के आदिवासियों सबसे बड़ी समस्या है जमीन पर, जो जंगलों में जहाँ वो रहते हैं उसका मालिकाना पट्टा देने की बात थी जो वन अधिकार अधिनियम, क्यों उनको मांग करने की जरूरत क्यों पड़ी? गवर्नमेंट क्या ध्यान दे रही है? नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा एक तो जो कानून बना हुआ है 2006 के अंदर यूपी की सरकार में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं दिया, आज भी ये लोग तरस रहे। दूसरी ओर उद्योगपतियों को फॉरेस्ट की लैंड दे रहे हैं, ये 100 एकड़ 200 एकड़ तक की लैंड इसको लीज पे दे रहे हैं, 100 साल की लीज पे, लेकिन वो आदिवासी बचा हुआ है उसको लिए 50x50 का जो है या 100x100 का है उसको पट्टा नहीं दे रहे। उसको लेके हम अभियान छेड़ेंगे और सरकार का ध्यान ले जाएंगे। और जो सवाल हो, जो आदिवासियों के सवाल आप लोग उठाने, जो भी अभी अंतर्वर्णन का चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन मिलते रहेंगे, आगे चलेंगे आपके चैनल के माध्यम से। हमारी दिल की आवाज़ और हमारी जनता की भावना को सरकार तक पहुँचाने में आपका चैनल भी मदद करेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, राजकुमार रोज जी ने जिस तरह से कहा, जिस तरह के आंदोलन की प्रमुख आवाज़ रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इसी तरह की आवाज़ पार्लियामेंट में भी रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिप। धन्यवाद।